जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास। और आज हम देखने वाले हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, यानी सेकेंड ईयर का एक प्यारा सा टॉपिक है। इसमें हम आप पेपर डिस्कस करने वाले हैं 2023 का, जो 2023 में आपका बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था उनके लिए ये क्या हो गया, पेपर दिया गया था, ठीक है। तो आप 2024 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप क्या करिए, इसको थोड़ा सा डिस्कस करके ही जाइए। याद रखिए, आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं साल भर, तो आप क्या करेंगे, सुपर 25 क्वेश्चन और प्लस में 2023 का यानी जो पेपर डिस्कशन है इसे आप वीडियो देख के जाएंगे, तो इसी से एज इट इज आपका कितना 70 से 80% आपका क्या होगा, मैच कर जाएगा। इसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें आज डिस्कस करने वाले फार्मेसी लाइन एथिक्स के बारे में। इसमें हम देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से, अब तो टाइमिंग वगैरह तो जान ही रहे हैं, आपको बताने की रिक्वायरमेंट है या नहीं, कोड पेपर कोड ये सब तो आप जान ही रहे हैं। मेन मुद्दा हमारे पास सीधे पार्ट ए पे है, वो भी जान रहे हैं कितना क्वेश्चन अटैम्प करना रहता है, ठीक है। तो उस पर टाइम इन्वेस्ट हम नहीं करते हैं, मतलब वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले लिखा है राइट ए नोट ऑन द रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, मतलब फार्मासिस्ट को कैसे रजिस्टर करना, इसके फुल डिस्कस के बारे में आपको लिख देना, ठीक। इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, कौन सा डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, इनका ऑब्जेक्टिव इनका उद्देश्य क्या होता है, ये सब के बारे में आपको डिटेल में लिख देना है, ठीक। क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, जैसे या देखा जाए तो फार्मासिस्ट के पास उनकी डिग्री होनी चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म होना चाहिए, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया है, ठीक है, यानी PCI यानी तुम्हारे पास फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट बताना है। जैसे उसमें तीन मेंबर होते हैं ना, तीनों मेंबर के बारे में आपको, नॉमिनेटेड मेंबर AX मेंबर तथा तुम्हारे पास एक और मेंबर होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर, तीन मेंबर होते हैं उनके बारे में डिटेल में बता देना है, ठीक है। और उसका फंक्शन लास्ट में आपको बता देना है, पूरा डिस्कस कर देना है अच्छे तरीके से। इसी के लिंक में हम क्या करेंगे, सुपर 25 क्वेश्चन का जो वीडियो है इसी में हम क्या कर देंगे, पिनअप कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वहां से आप प्लीज़ एक बार उसे देख लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी से, उसमें इसका सोल्यूशन आपको एकदम अच्छे तरीके से मिल जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया है, ठीक है, कह दिया पावर ऑफ द ड्रग्स इंस्पेक्टर, मतलब जो ड्रग्स इंस्पेक्टर होते हैं उनका पावर क्या होता है, यानी जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं DI, तो DI के बारे में थोड़ा सा लिख दीजिएगा, उसके पावर क्या होता है उनके बारे में लिख दीजिएगा, एज पर कॉस्मेटिक एंड ड्रग्स एक्ट 1940 के बारे में आपको डिस्कस कर देना है, ठीक है। इसके बारे में यहाँ से आपको डिस्कस कर देना है, आपका काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ से दे रखा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से फोर्थ नंबर क्वेश्चन दे रखा है, गिव द ऑफेंस इन फिलांटी अंदर द नार्कोटिक एंड साइकोटिक सब्सटेंस 1985 में, मतलब क्या कह रखा है, ठीक है, यदि आप नार्कोटिक ड्रग्स बेच रहे हैं या सार्कोटिक्स ड्रग्स बेच रहे हैं, सी साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस या सार्को यानी साइकोट्रॉपिक ड्रग्स बेच रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक, आप यदि उसका अनुपालन नहीं करते हैं, ठीक है, किसका, एक्ट का 1985 में जो दिया गया था, तो आपको क्या कर दिया जाए, ऑफिशियली मतलब क्या हो गया, दंड दिया जाएगा और आपके पास पिलांती भी लगा दी जाएगी, ठीक है। तो इसके बारे में आपको डिस्कस करते हैं, तो कैसे लिखना है, नार्कोटिक तथा साइकोटिक सब्सटेंस देखा जाए तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा एक ओवरव्यू मिल जाएगा जिस तरह से कैसे इसे लिखना है, इसे भी ऊपर वाले को हम थोड़ा सा दिखा देते हैं आप, ठीक। तो आपके सामने उसका ये आंसर है, नार्कोटिक तथा साइकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1985 का। तो देखिए सबसे पहले क्या कर देना, इनके बारे में थोड़ा सा क्या कर देना, लिख दीजिए, ऑफियम होता है, नार्कोटिक यानी मॉर्फिन होता है, कैफीन होता है, ये सब के बारे में थोड़ा सा आपको डिस्कस कर देना है यहाँ से। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करके जाएंगे, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें रूल और रेगुलेशन है वो सब के बारे में बता देना है, ठीक है। उसके बाद हेडिंग में आपको ऑब्जेक्ट लिख देना है, ठीक है। अब इसका पूरा डिस्कस चाहिए तो भाई आपको जाना पड़ेगा सुपर 25 क्वेश्चन के देखने के लिए, ठीक है। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव पूरा अच्छे से क्या कर देंगे आप, डिटेल में लिख देंगे, ठीक, उद्देश्य इसका क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ऑफिसी यानी ऑफेंस एंड पिलांटी, मतलब आप मानेंगे नहीं तो आपको कितना पिलांटी लगाई जा सकती है, ठीक है। आप देखिए यहाँ से ओ भी यानी पोपी प्लांट वगैरह यदि मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आपको क्या कर दे, 10 से 20 साल की सज़ा हो सकती है। फाइन कितना लगाना है, 1 से 2 लाख लग सकती है। तो वही चीज़ें यहाँ से क्या कर देना है आपको, डिस्कस कर देना है, वही चीज़ें यहाँ से आपको बोल रहा है, ठीक। ये हो गया इनके बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे तुमसे पूछ दिया है, यानी फूड सेफ्टी ऑफिसर यानी पावर, ठीक है, पावर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर, मतलब जो, ठीक है, यहाँ से जो फूड सेफ्टी ऑफिसर होते हैं उनके बारे में आपको डिस्कस करना है डिटेल में पूरा, ठीक है। फूड सेफ्टी ऑफिसर मतलब जो ऐसे ऑफिसर होते हैं जो फूड से रिलेटेड जितने भी प्रोसेस होते हैं उस सबको मैनेज करने का काम इनका उद्देश्य होता है,
ठीक है, तो इनका पावर क्या होता है इनके बारे में पूरा डिटेल में बता देना। जो भी कोई या फसाई के अंतर्गत फूड आइटम बनते हैं उसको यदि कोई रूल फॉलो नहीं करता तो फसाई के द्वारा उसे क्या कर दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है। ये नहीं पालन कर रहे हैं तो क्या फूड सेफ्टी ऑफिसर आते हैं, आपको पिलानती वगैरह सारी चीज़ें लगा सकते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया, डिस्क्राइब द ठीक है इथिक्स फॉर फार्मासिस्ट इन रिलेशन हिज जॉब द ड्यूरिंग द सर्विस, मतलब सर्विस के दौरान आपको क्या करना, फार्मासिस्ट का क्या रिलेशन होना चाहिए जॉब से। देखिए जॉब तो अलग बात है, मतलब सबसे पहले के पास आपके पास क्या होना चाहिए, एक ह्यूमिनिटी नाम की चीज़ होनी चाहिए, मानवता जिसे बोलते हैं, पेशेंट के प्रति, किसी अदर जो आपके बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट के प्रति आपको सब कुछ क्या कर देना है, मैनेज करना है। तो उसी के बारे में यहाँ से आपको डिटेल में डिस्कस कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया, हॉस्पिटल वेस्टेज क्या होता है, जिसे हम बायोमेडिकल वेस्टेज भी बोला जाता है, यानी बायोमेडिकल वेस्टेज के डिफाइन करना है, इसको कैसे डिस्पोजल करना है, ये भी क्वेश्चन को हम क्या कर दिया, लॉन्ग आंसर में हमने कंसिडर किया सुपर 25 क्वेश्चन के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर मेडिकल वेस्टेज क्या होता है इसको बारे में डिफाइन करना है, और इसका तुम्हें डिस्पोजल कैसे करना है इसके बारे में आपको डिस्कस करना है यहां से। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी के बाद देखी जाए तो आपके सामने ये रहा, इसमें कह दिया है गिव द रिकमेंडेशन ऑफ ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी। ठीक है, ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी DEC जिसे शॉर्ट में बोला जाता है। ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी क्या होती है, जो ड्रग्स की इंक्वायरी करती है कि कोई इश्यू इसमें नहीं है, प्रॉपर मैनर में ग्रेडियंट इनग्रेडियंट ठीक है फार्मास्यूटिकल ऐड वगैरह अच्छे से की जा रही है कि नहीं, दवा की केयर कंटामिनेशन स्टरलाइजेशन सब कुछ मेंटेन करता है तुम्हारे पास। ठीक है, ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी मेंटेन करती है। PCI ठीक है, PCI इंस्पेक्टर क्या होता है इनके बारे में आपको क्या कर देना है, पूरा डिटेल में लिखना है। उसके बाद इनकी ड्यूटी क्या होती है आपको लिखना है। जैसे मान लेते PCI आ गए, ठीक है ये क्वेश्चन आ गया, तो PCI क्या होती है, एक दो लाइन चार पांच लाइन लिख देंगे, उसके बीच में हेडिंग क्या डाल देंगे, नीचे तीन लाइन तीन पॉइंट लिखने के बाद आपको क्या लिख देंगे, इनकी ड्यूटीज क्या होती है। ठीक है, मेंटेन द क्वालिटी, ठीक है क्वालिटी को मेंटेन कराने का काम करते हैं। ठीक है, क्वालिटी का इसका काम नहीं होता, एक्चुअल में देखा जाए तो ये एजुकेशन रिलेटेड होता है। जैसे कॉलेज में कोई प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है कोई मान लेते हैं एक्सपेरिमेंट कर रहा है विदाउट सब सारी चीज़ें, बिना किस यानी बिना PCI से अप्रूवल कॉलेज चला रहा, तो उस सब को ये क्या कर देता है, मैनेज करने का काम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया यहाँ से, इसमें कह दिया है मैं क्या, डिफाइन द टर्म एज द ड्रग्स एज पर ड्रग्स इन कॉस्मेटिक एंड 1940, मतलब क्या इसके अनुसार आपको ड्रग्स की डिफिनेशन लिखनी पड़ेगी, डिफिनेशन और कॉस्मेटिक की डिफिनेशन, और क्या लिखना, क्वालिफाइड पर्सन की डिफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी। तो इनकी डिफिनेशन, ड्रग्स क्या होती है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी भी ठीक है किसी भी चीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, ये तुम्हारे पास क्या होता है, इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है और इफेक्ट हमारे शरीर में हो सकता है। ड्रग्स क्या कर देती है हमारे शरीर के, ठीक है सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, यदि किस अमाउंट में ले रहे उस पर भी ये निर्भर करता है। तो उसको भी यहाँ से क्या कर देना है, डिफाइन कर देना है। शेड्यूल यन क्या होती है इसके बारे में आपको डिफाइन कर देना है एकदम डिटेल में। ठीक है भाई, तू कितने जा रही है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा शेड्यूल यन के बारे में आपको डिफाइन करना है। शेड्यूल यन क्या होती है, जैसे फार्मेसी आप खोल रहे हैं तो उसमें जितने भी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती सब इसी के अंतर्गत में आती हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या क्या इंक्लूड होती हैं, फार्मेसी में मिनिमम इक्विपमेंट होती है, ठीक है मोस्ट ऑफ द चीज़ें इक्विपमेंट होती हैं, जैसे तुम्हारे पास फर्नीचर की व्यवस्था करना पड़ेगा, ठीक है पॉइजन को कहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है डिब्बे की व्यवस्था, बैलेंस डिस्पोजिंग यानी क्या, ये सब कुछ क्या के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा डिस्कस करना, फिल्टर पेपर क्या होता है, फनल लिटमस पेपर, ठीक है वेटिंग मशीन, पील बॉक्स, बुक एक्ट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आपको मेंटेन करना पड़ेगा, सब कुछ क्या होगा शेड्यूल यन के यानी यन के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ से डिस्कस करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह दिया है लोन लाइसेंस क्या होता है इसके बारे में आपको डिस्कस कर देना है। लोन लाइसेंस क्या होता है, जैसे लाइसेंस अपना ले लिए तो उसका भी आप लोन ले सकते हैं, जैसे आपको दुकान खोलनी है, ठीक दुकान नहीं मान लेते कोई और जॉब वगैरह करना है, तो अपना जो लाइसेंस है उसे आप कहीं भी दे देंगे तो उसके प्रति लोन ले लेंगे कि इतना हमें देना पड़ेगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें बताने का काम यहाँ लोन पे कैसे वर्क करता है उसे बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ से डिस्कस करना है क्या, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ बोल दिया है। ठीक है, इसमें कह दिया यहाँ से, कह रखा गिव द क्लास ऑफ ठीक है एडमी ठीक है एडवर्टाइजमेंट ठीक है एडवर्टाइजमेंट विच आर प्रोहिबिटेड अंडर द ड्रग्स मैजिक ठीक है मैजिक रेमिडी ठीक है इसके बारे में बताना, एक्ट 1950 के बारे में बताए यहाँ से बता देना है। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसमें कह दिया है तुम्हारे पास फंक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशनल
एनिमल इथिकल कमेटी, मतलब ये ऐसी कमेटी होती है जो किसी भी एनिमल पे क्रूरती से यानी क्रूरिटी की जाती है, ऐसे एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्हें बिना एनेस्थीसिया जी उन्हें ट्रीट करना, ये सब कुछ ये मेंटेन करने का काम होता है एनिमल इथिकल कमेटी के काम होता है। ठीक है, ये कंट्रोल करते हैं किसी भी, मान लेते हैं इंस्टीट्यूट है, ठीक, उसमें एनिमल पे रिसर्च किया जा रहा है, तो उनसे बोलेंगे क्या क्या सावधानियां बरतनी है, प्रॉपर इक्विपमेंट की व्यवस्था करनी है, ये सब कुछ मेंटेन कराने का काम क्या होता है, एक कमेटी होती है जिसे इंस्टीट्यूशनल यानी एनिमल ठीक इथिकल कमेटी बोला जाता है। नेक्स्ट में तुमसे लिख दिया, यहाँ से लिख रखा राइट द मेन फीचर ऑफ द ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013, मतलब 2013 में क्या हो गया था, जो ड्रग्स कंट्रोल प्राइस कमेटी आई थी उसका फीचर लिखना है, क्या करते हैं। ठीक है, ये कट यानी क्या कर देते हैं, प्राइस को कम रखते हैं, ठीक है, क्वालिटी को कंट्रोल मेजरमेंट भी ये करने का काम करते हैं। नेक्स्ट तुमसे कह दिया है व्हाट आर द प्रोविजन अंडर विद द RMP एनी टर्मिनेट द प्रेगनेंसी ऑफ द वूमन एज पर द MTP Act 1971 के बारे में आपको बता देना है। जैसे प्रेग्नेंट वुमेन रहती है ना, उनमें क्या सावधानियां रखनी है, उनके प्रति कोई भी दवा ऐसे नहीं भी दे सकते हैं एज पर प्रिस्क्रिप्शन के, दवा देनी है, वो सब मेंटेन करने का काम इनका होता है। फिर क्या लिख रखा है, यहाँ से एक कंट्रोल कमेटी और आती है, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या कर दिया जाता है, जो भी ड्रग्स रहती है उसकी स्टैंडर्ड क्वालिटी को भी मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो क्वालिटी में मान लेते हैं कोई कमी आती है तो जिससे दिक्कत हो सकती है एनिमल पे। ठीक है, फंक्शन ऑफ ब्लड बैंक, ब्लड बैंक के बारे में आपको यानी पूरा अच्छे से बताना है, एक्चुअल ब्लड बैंक क्या होता है उसका लिखना है, उसके बाद हेडिंग डाल देना फंक्शन ऑफ ब्लड बैंक, सेंट्रीफ्यूगल स्टोरेज ऑफ ब्लड, ठीक है, ये सब करने का काम इनका होता है। नेक्स्ट में हमसे यहाँ से दे रखा है, ठीक है, पार्ट सी में पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 150 करोड़ का, इसमें बोल दिया क्या लिखा, फार्मेसी एक्ट कम इन फोर्स, ठीक है, 4 मार्च मतलब फार्मेसी एक्ट कब आई थी, ठीक, तो ये कब आई थी 1948 में आई थी, कितना 1948 में, तो यानी बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिए हैं, ठीक है, याद रखना ये 1948 जो बोले कहीं कहीं बुक में देखा जाए तो 1949 भी लिखा रहता है, मगर ये देखा जाए तो 1948 इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, एक बार गूगल करिएगा प्लीज़, वहाँ से आप भी देख सकते हैं, मोस्ट ऑफ़ द बुक में हमने देखा कि 1949 ही लिखा हुआ है, मगर 1948 इज़ द करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ से लिखा है फर्स्ट PCI वाज़ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूटेड इन ईयर, मतलब पहली बार इंडिया यानी फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, कब की गई थी, देखिए जब हमारा एक्ट आ गया था फार्मेसी एक्ट उसके एक साल बाद यानी 1940, ठीक है, 1949 इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाने वाला है। ठीक है, ऐसे घुमा के देखिए क्वेश्चन पूछ दिया भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया यहाँ से, ठीक है, कह रखा ड्रग्स विच आर, ठीक है, इम्पोर्ट अंडर द नेम ऑफ द अदर ड्रग्स इज नोन एज, मतलब क्या कर रहे हैं, जैसे कोई ड्रग्स है उसके दूसरे नाम से हम क्या कर देते हैं, मिक्सिंग करके भेजते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, स्पूरियस बोला जाता है, क्या बोल दिया जाता है, स्प्यूरियस ड्रग्स बोला जाता है। तो ये वाला ऑप्शन सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। यहाँ से आ जाते हैं, कर रखा शेड्यूल ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ फॉर कॉस्मेटिक, मतलब ऐसा कौन सा शेड्यूल है, ठीक है, जिसमें कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को रखा जाता है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को शेड्यूल S1 यानी सॉरी S के अंतर्गत रखा जाता है। तो S कहीं दिया है, S मतलब सबसे लास्ट में दे रखा है यहाँ से, ठीक है, नेक्स्ट तुमसे लिख दिया है यहाँ से। ठीक है, अब रुकिए, शेड्यूल पे आते आते आ गए हैं, तो इस पर हम आपको बताते चले शेड्यूल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, हदा बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। देखिए इसमें सबसे पहले शेड्यूल सी पे आते हैं, शेड्यूल सी में तुम्हारे पास क्या होगा, लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल होते हैं और स्पेसिफिक प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, दोबारा सुनिए भाई, बोल दिए हैं की बोल रखा तू, हाँ भाई चल रही है, ठीक है भाई तू नीचे आ ले। ठीक है, देखिए शेड्यूल सी में तुम्हारे पास बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को रखा जाता है और स्पेशल प्रोडक्ट होते हैं। उसके बाद यम पे देखा जाए तो यानी जो भी तुम्हारे पास GMP प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, GMP प्रोडक्ट मतलब गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस होते हैं, ठीक है, उसके इक्विपमेंट होते हैं, प्लांट होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों में लगाए जाते हैं, उसे रखा जाता है इस शेड्यूल यम के अंतर्गत। शेड्यूल क्या दे रखा, शेड्यूल आर के अंतर्गत देखा जाए तो तुम्हारे पास इसमें R1 R2 होते हैं, इसमें तुम्हारे पास क्या होगा, जैसे जो भी
लेटेक्स से बनने वाली चीज़ें होती हैं उनको रखा जाता है। जैसे मेडिकल तुम्हारे पास क्या हो गए, मेडिकल ग्लव्स हो गए, ठीक है, इसी के R1 के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कंडोम हो गया, रबर का बनाया जाता है, उन्हीं का हम उपयोग करते हैं, ठीक है। एकदम प्रिवेंशन ऑफ द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के प्रिवेंशन में किया जाता है, तो उसको भी क्या कर दिए जाते हैं, शेड्यूल R के अंतर्गत रखे जाते हैं। शेड्यूल S के अंतर्गत देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या क्या रखे जाते हैं, जो भी तुम्हारे पास कॉस्मेटिक आइटम होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक आइटम, उसको रखा जाता है। तो इस पे मार देंगे ठीक, यहाँ से सही हो जाने वाला है। अभी हम क्या करेंगे, जितने भी शेड्यूल हैं उसको हम क्या कर देंगे, जल्दी जल्दी पढ़ा देंगे क्या क्या रखा जाता है, ठीक है। वाई तक है, शेड्यूल वाई तक हम आपको बता देंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। और तुमसे क्या दे रखा है, यहाँ से 5वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है, लिख रखा है डाई एसिटा, ठीक है, एसिटाइल मॉर्फिन इज आल्सो नोन है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन इज आल्सो नोन है, उसे क्या बोला जाता है, यानी इकोनोइक एसिड बोला जाता है या कोकीन बोला जाता है, हीरोइन बोला, नन ऑफ दी, तो यहाँ पर क्या बोला जाता है, हीरोइंस बोला जाता है, हीरोइन बोला जाता है, ठीक है। यानी 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, द प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल एक्ट पास इन, मतलब जो एनिमल पे, ठीक है, पास यानी क्रूरल्टी की जाती है, वो फिर एक्ट कब पास किया गया था, 1960 में किया गया था, या तुम्हारे पास कह दिया है, ठीक है, या 1961 में, 1965 में, 1962 में, तो ये देखा जाए तो कितना होगा, 26 दिसंबर आप बुक पढ़े होंगे, तो 26 दिसंबर 1960 को ये लागू किया गया था, 1960 को लागू किया गया था, 1960 कहीं दिया है, 1960 यानी पहला वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। अब बताओ, 4 दिन होता तो 1961 हो जाता सन से तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे बुक वुक में थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग दिया रहता है, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, ये कह रखा है यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम फसाई बोलते हैं, हैज़ बीन स्टेबलाइज अंडर द फूड सेफ्टी स्टैंड एक्ट, मतलब वो एक्ट कब लाया गया था, ठीक, 2004 में, 2005, 2006, 2007 और 2006 में इसको लागू किया गया था, फूड या फसाई को, ठीक है। और तुमसे क्या क्वेश्चन पूछा है, 8वां नंबर यहाँ से, मतलब सन कितना दिया है भाई, लिख रखा है फूड एंड एडल्ट्रेशन एक्ट वाज पास इन, मतलब जो फूड होता है और एडल्ट्रेशन होती है, ठीक है, फूड मतलब जो कोई मिलावट होती फूड में, ठीक, उसको एक्ट बनाया गया कि इसमें कोई मिलावट हमें फूड आइटम में नहीं करनी, उसमें कब पास किया गया था, 1953 में, 1954 में, 1955, 1966 में, तो ये देखा जाए तो क्या हो गया, ये देखा जाए तो 29 सितंबर को क्या कर दिए थे, 1954 में इसे लागू किया गया था, 1954, मतलब बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तुमसे यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है, इसमें क्या पूछ दिया यहाँ से, भाई तू कितने चल रहा भाई, ऐसे होले, ठीक है, कह दिया फिक्स प्राइज ऑफ, ठीक है, फिक्स प्राइज बाय द गवर्नमेंट फॉर न्यू ड्रग्स पैराग्राफ इज, मतलब इज नोन है, जिसे क्या बोला जाता है, उसे क्या बोला जाता है, रिटेल प्राइज बोला जाता है, कहने का मतलब क्या होती है, एक फिक्स प्राइज होती है, MRP नहीं, MRP तो मैक्सिमम प्राइज, ठीक है, रिटेल प्राइज होती है, ठीक है। तो ये कह दिया गवर्नमेंट के द्वारा पैराग्राफ 5th में की लिखा गया है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, RP बोलते हैं, RP मतलब रिटेल प्राइस के अंतर्गत आती है। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कर रखा फर्स्ट नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन इंडिया वाज द, यानी प्रिपेयर टू रिलीज इन, मतलब प्रिपेयर करके कब रिलीज की गई थी, इसके बारे में बता देना, 1994 में, या 95 में, 96 में, या 90 तुम्हारे पास 8 में, तो ये कब किया गया था, 1996 में किया गया था, 1996 में किया गया था, ठीक। यहाँ पर आ जाते हैं, इसमें कह दिया डैश 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 मीन, ठीक है, साइंटिफिक डिसिप्लिन दैट कंपेयर द थेरेप्यूटिक वैल्यू ऑफ वन फार्मास्यूटिकल ड्रग्स या ड्रग्स थेरेपी टू अनदर, मतलब उसे क्या कह रखा है, साइंटिफिक डिसिप्लिन में देखा जाए तो किसी पर्सन को हमें ड्रग्स के द्वारा उसे ट्रीट करना है, थेरेपी, और क्या कर देना, पैसे को भी हमें क्या कर देना है, मैनेज रखना है, तो उसे क्या बोलते हैं, फार्मो इकोनॉमिक बोलते हैं, फार्मो इकोनॉमिक कहीं है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन के बारे में दे रखा है। 12वां नंबर, ठीक है, कह दिया यहाँ पर रूल ऑफ ह्यूमन एक्ट बाइंडिंग ऑल पर्सन टू स्टेट और नेशन आर कॉल्ड, उसे क्या बोला जाता है, उसे तो भैया ला बोला जाता है, भैया ला कहीं दिया है तो ला पे क्या कर देंगे आप, टिक भर देंगे, यहाँ से ला को उठा के यहाँ पर भर देंगे, मतलब ला को फिलअप करके यहाँ से भर देंगे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया, कह रखा इफ़ द फार्मासिस्ट इज मेकिंग, ठीक है, कह दिया है इफ़ द फार्मासिस्ट इज मेकिंग एन अटेम्प्ट टू कैप्चर बिजनेस ऑफ फॉलो, ठीक है, अब बिजनेस ऑफ फॉलो फार्मासिस्ट इज सेड टू बी, उसे सर यानी क्या बोला जाता है,
यानी कट थ्रोट कंपटीशन बोला जाता है, या यहाँ में क्या बोला जाता है, क्लैंडेस्टीन अरेंजमेंट बोला जाता है, तो उसे कर यानी कट थ्रोट कंपटीशन बोला जाता है। ठीक है, चौथे नंबर पे आ जाते हैं, सॉरी 14 नंबर पे आ जाते हैं। इसमें तुमसे क्या कह दिया है, ठीक है, टू वीक प्रेगनेंसी कैन बी डिटरमाइन विद द सेट ऑफ, मतलब दो, यदि 2 वीक की, मतलब 12 वीक है जी, मतलब 12 वीक की यदि प्रेगनेंसी है, ठीक है, तो किसके द्वारा उसे, ठीक है, टर्मिनेट किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, टू होता है, आर होता है, एम पी एस होता है, इसके द्वारा किया जाता है। तो इस पर क्या कर देंगे, इस पर मतलब आ जाएंगे यहाँ से। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ से कर दिया है, डैश 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 डिस्टिंक्ट वर्ड फेज लोगो सिंबल डिजाइन पिक्चर स्टाइल कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर दीज एलिमेंट, उसमें क्या यूज किया जाता है, तो हर एक कंपनी का एक ट्रेडमार्क होता है, इसमें आप लोगो यूज कर सकते हैं, वर्ड यूज कर सकते हैं, फ्रेज सिंबल पिक्चर साइन वगैरह कुछ भी यूज कर सकते हैं, उसे क्या बोला जाता है, ट्रेडमार्क। हर एक कंपनी का खुद का ट्रेडमार्क होता है, उसे आप नकल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 16 नंबर पे आ जाते हैं, 16 नंबर यहाँ से है आपके सामने। ठीक है, 16 नंबर यहाँ से हमसे कह दिए, भाई तू कहें लकरा आ रहा है भाई। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज़ नोटिफाइड द न्यू ड्रग्स क्लिनिकल ट्रायल रूल 1919 में। ठीक, वो कब की गई थी, ठीक कब की गई थी, तो वो देखा जाए तो कितना, 23 मार्च 2019 को की गई थी, 23 मार्च 2019 को की गई थी, 2019 कहीं ऑप्शन में उसी को टिक मार देंगे, 23 मार्च 2019, मतलब पहला ऑप्शन इधर करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। ठीक है, अभी ये ठीक अब वहाँ पर बता दिए थे हम। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या होता है, यहाँ पर ब्लड बैंक यूनिट सेल बी द मैक्सिमम रिक्वायर, सॉरी मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्लोर स्टॉक ऑफ, कितना होना चाहिए, 10 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, या झगड़ा देखना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास कितना होना चाहिए, 10 मीटर स्क्वायर की एरिया होना चाहिए, ठीक है, ब्लड बैंक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे कह दिया है, लिख रखा डैश, ठीक है, इज द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर सेफ डिस्पोजल ऑफ मेडिकल वेस्टेज को किया जाता है, ठीक, किसके द्वारा किया जाता है, प्लाज्मा पायरोलिसिस के द्वारा किया जाता है, या ठीक है ये क्या लिख दिए, स्टलाइजेशन क्या लिख दिए, ठीक है, यानी इनसेनिरेशन किया जाता है, या तुम्हारे पास माइक्रोवेव इनहिबिटर किया जाता है, तो ये किसे किया जाता है, प्लाज्मा पायरोलिसिस के द्वारा इसे किया जाता है। 2 और क्वेश्चन, ठीक है, इसमें कह दिया यहाँ से, ठीक है, लिखा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास, मतलब जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है कब पास हो गया था, वो देखा जाए तो कितना, 23 दिसंबर, ठीक है, 23 दिसंबर 2000 कितने में किया गया था, 5 में किया गया था, 23 दिसंबर 2005 में, तो कहीं 2005 दिया था, यानी बी वाला ऑप्शन इधर करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट में तुमसे कह दिया है मेडिकल वेस्टेज, ठीक है, मेडिकल डिवाइस इन्वॉल्विंग लो रिस्क लेवल आर कैटेगराइज अंडर ए बी सी डी। लो लेवल मतलब क्या होगा, जो थोड़ा बहुत खोल के चला सके उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, लो लेवल मेडिकल डिवाइस इन्वॉल्व होती है, जो इसमें रिस्क क्या होती है, बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो ये कब इसके अंतर्गत क्या जाता है, क्लास है, ठीक है, क्लास ए के अंतर्गत आता है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। इस तरह से देखा जाए तो हमने 2023 के पेपर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लिया। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।